हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर पर। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है महत्वपूर्ण सम्मेलन और समारोह। जी हाँ फ्रेंड्स, इस टॉपिक से यानी कि ये टॉपिक ऐसा है कि आपका जो है एक क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए आपको किसी न किसी एग्जाम में अवश्य मिल जाता है। ठीक है, यदि आप फ्रेंड्स किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक को अवश्य पढ़ें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स आइएगा शुरुआत करते हैं और देखते हैं सबसे पहले कि देखिएगा इसमें पहला क्वाड समिट 2021। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसकी जो मेज़बानी की है वो की है अमेरिका ने। हुआ कब है ये? 12 मार्च 2021 को। और क्वाड में कौन कौन से देश आते हैं? तो फ्रेंड्स तो क्वाड है आपका क्यू, ठीक है, QUAD। तो क्वाड में आपके आते हैं चार देश। ठीक है, चार कौन कौन से आते हैं? एक तो आपका आता है USA, ठीक है, USA यानी कि अमेरिका। फिर आता है इसमें आपका एक ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो हमने दो जो है इस क्वाड से ही निकाल लिए, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। दूसरा आपका है, तीसरा है इसमें आपका जापान, ठीक है, और चौथा है इसमें आपका इंडिया यानी कि भारत। तो इसमें कितने देश आते हैं? चार। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और इंडिया। ठीक है, मेजबानी किसने की इसकी? अमेरिका ने। कब हुआ? 12 मार्च 2021। यानी कि फ्रेंड्स हम इसमें जो है पूरा एक साल का कवर करने वाले हैं, जो आपका 12 मार्च 2021 से है और अब तक जुलाई तक, ठीक है, जितना भी सम्मेलन समारोह हुआ है उनको यहाँ कवर करेंगे। तो अब देखिएगा आगे है इसमें सातवां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी। ठीक है, फिर पढ़ते हैं, सातवां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी 2021 ये कहाँ हुई थी? फ्रेंड्स ये हुई थी आपकी फ्रांस में। कब? 28 जून से लेके 1 जुलाई तक। ठीक है, अब इसमें आगे देखेंगे G20। ठीक है, G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2021। तो फ्रेंड्स ये हुई थी आपकी नेपल्स इटली। कब हुई थी? 22 जुलाई 2000। फ्रेंड्स अब इसमें आगे देखते हैं विश्व आर्थिक मंच का सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 ये हुआ फ्रेंड्स आपका जेनेवा। ठीक है, और कौन सा देश में पड़ता है ये? स्विट्जरलैंड। कब हुआ है ये? 20 से 23 सितंबर 2021। अब इसमें आगे देखते हैं, आगे है आपका 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। ठीक है, ये कब हुआ है आपका? ये हुआ है 9 सितंबर 2021। और कहाँ हुआ है? ठीक है, तो ये हुआ है आपका भारत में। ठीक है, तो किसने अध्यक्षता की है? भारत ने। और यहाँ देखेंगे अगर पूछे पर्सन कौन है, वो नरेंद्र मोदी जी। तो 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आपका हो गया भारत में। ठीक है, तो फ्रेंड 14वां भी हो चुका है, तो वो हम इसमें आगे पढ़ेंगे। अब इसमें आपका है देखिएगा 21वां SCO शिखर सम्मेलन। कौन सा है फ्रेंड्स? 21वां SCO शिखर सम्मेलन, ये कहाँ पर हुआ है? दुशांबे। और ये कहाँ पड़ता है? तजाकिस्तान। ठीक है, कब हुआ ये आपका? 17 सितंबर 2021। अब आगे देखते हैं इसमें वैश्विक COVID-19 शिखर सम्मेलन 2021। फिर से पढ़ते हैं, वैश्विक COVID-19 शिखर सम्मेलन 2021। फ्रेंड्स किसने मेजबानी की है इसकी? तो ये देश है अमेरिका। ठीक है, अब कब हुआ ये? 22 सितंबर 2021 को। अब आगे देखिएगा क्वाड नेताओं की पहली इन पर्सन बैठक। ठीक है, क्वाड नेताओं की पहली इन पर्सन बैठक। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं आपको याद करने के पर्पज से बता दूँ कि अगर वो क्वाड से संबंधित पूछ रहा है 2021 का, तो आप अपना आंसर अमेरिका दीजिएगा। क्यों? देखिएगा यहाँ पे पहला क्वाड समिट 2021 तो कहाँ हुआ है, मतलब किसने मेजबानी की है? अमेरिका ने। क्वाड नेताओं की पहली इन पर्सन बैठक, तो ये भी कहाँ है? अमेरिका में। ठीक है, तो क्वाड से संबंधित जब भी पूछेगा तो आपका आंसर होगा अमेरिका, ये आप याद रखना 2021 के लिए। अब इसमें आगे बात करते हैं दूसरा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन। ठीक है, ये कहाँ हुआ आपका? बीजिंग चीन में। अब इसमें हुआ कब ये? 14 से 16 अक्टूबर। आगे बढ़ते हैं और आगे देखिएगा इसमें 18वां आसियान भारत और 16वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। तो फ्रेंड्स इसमें दो हैं, ठीक है, कौन कौन सा? 18वां आसियान भारत और 16वां पूर्वी एशिया, ठीक है, शिखर सम्मेलन 2021 ये हुआ आपका ब्रुनेई। ठीक है, कैसे हो? वर्चुअली हुआ है। ठीक है, और कब हुआ है ये आपका? 27 से 28 अक्टूबर 2021। आगे देखते हैं इसमें 38वां 39वां एशियन सम्मेलन 2021।
38 और 39 एशियन जो आपका सम्मेलन 2021 है ये भी कहा हुआ ब्रुनेई में। ठीक है, तो आप इनको जो है एक साथ याद रखिएगा, कैसे 18वां आशियन भारत और 16वां पूर्वी शिखर सम्मेलन और प्लस 38 व 39वां आशियन सम्मेलन। तो फ्रेंड देखेगा आप यहाँ पे गौर से देखेगा, यहाँ भी क्या रहा है आशियान, यहाँ भी क्या रहा है आशियान। ठीक है, तो ये तो आप इसे कैसे याद रखेंगे, जब भी इसमें आपको आशियान दिख जाए तो किसके लिए, तो आपका आंसर होगा ब्रुनेई। ठीक है, क्वाड के लिए मैंने बताया अमेरिका और आशियान के लिए मैं बता दूँ आपको ब्रुनेई, ये याद कर लीजिएगा आप वो ठीक है 2021 के लिए। 18वां कुछ भी पूछे आशियान, 16वां ठीक है पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन ये भी इसी में आ गया ठीक है आपका, और 38वां 39वां आशियन सम्मेलन 2021 ये भी आपको ब्रुनेई में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा COP26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 क्या है ये, दोबारा पढ़ते हैं COP26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन 2021। तो फ्रेंड्स ये हुआ आपका ग्लासगो स्कॉटलैंड ठीक है, और कहाँ पड़ता है यूके में, कब हुआ आपका 29 अक्टूबर से 2 नवंबर 2021 तक। फ्रेंड्स अब इसमें आगे देखते हैं, पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2021 ये हुआ आपका नालंदा बिहार, कब हुआ है 1920 नवंबर 2021। फिर आपका इसमें 25वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 तो ये आपका गोवा में हुआ है ठीक है, कब 20 से 28 नवंबर 2021। फिर आपका 13वां एशियन शिखर सम्मेलन 2021 जिसकी अध्यक्षता की है कंबोडिया ने ठीक है, कब हुआ है आपका 25 से 26 नवंबर 2021। फ्रेंड्स डेट याद रखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको अध्यक्षता किसने की और कहाँ हुआ है ठीक है, ये दो बात आपको याद रखनी है, अध्यक्षता और कहाँ पर हुआ है ठीक है, तो ये दो चीज़ आपको याद होनी चाहिए, डेट याद आप भले ही ना रखें। अब इसमें आगे देखते हैं, 5वां हिंद महासागर सम्मेलन 2021 फ्रेंड्स ये हुआ है आपका आबू धाबी ठीक है, कब हुआ है आपका ये 5 दिसंबर 2021। फिर आपका 7वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ठीक है फ्रेंड्स ये इम्पोर्टेंट है, कौन सा 5वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ये हुआ है आपका पणजी गोवा में, कब हुआ है 10 से 13 दिसंबर 2021। फिर आपका देखिएगा ठीक है, फिर क्या है आपका 108वां भारतीय विज्ञान महोत्सव, दोनों क्या रखेगा इसमें अंतर्राष्ट्रीय है ठीक है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय इसमें सिर्फ भारतीय है, तो दोनों कहाँ हुए हैं, जो आपका भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है ये आपका पणजी गोवा, और जो आपका भारतीय विज्ञान महोत्सव है ये आपका पुणे महाराष्ट्र। फिर इसमें आगे आपका प्रथम भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की, तो ये है नरेंद्र मोदी जी ने, कब की 27 जनवरी 2022। तो फ्रेंड्स अब आपके जो है 2022 के स्टार्ट हो चुके हैं ठीक है, अच्छा ठीक है, इसमें एक चीज़ रह चुकी है आपका देखिएगा, पहली ब्रिक्स ठीक है, पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक तो ये कहाँ हुई आपकी चीन में ठीक है। अब इसमें आगे देखते हैं, वन ओशन समिट 2022 फ्रेंड्स ये हुआ है आपका फ्रांस में, कब 9 से 11 फरवरी 2022। फिर आपका TERI ठीक है, कत जो है 21वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन कहाँ है भारत में ठीक है। फिर इसमें आ गया आपका 5वां बिम्सटेक सम्मेलन 2022 फ्रेंड्स, इसकी जो मेजबानी की है वो श्रीलंका ने की है ठीक है, यानी कि श्रीलंका में हुआ है, कब हुआ है 30 मार्च 2022 को। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ठीक है, मैं आपको वीडियो के अंत में फिर से बता दूंगी कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं, वो आपको याद ही करने हैं, बाकी सबको आप जो है एक एक बार देख लेंगे इन्हें, और जिनको मैं आपको बताऊँ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे, आप उनको जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर इसमें देखेंगे आगे, 7वां रायसीना संवाद 2022 फ्रेंड्स, जो अध्यक्षता की है ये PM नरेंद्र मोदी जी ने, कब 25 अप्रैल 2022। फिर है आपका इसमें 40वां ठीक है, और साथ में है आपका 41वां हुनर हाट 2022। तो फ्रेंड्स जो आपका 40वां हुआ है ठीक है वो हुआ है आपका मुंबई में, जो आपका 41वां हुआ है वो हुआ आपका आगरा में। तो फ्रेंड्स अब इसमें आगे देखते हैं, मरुस्थलीकरण पर COP15 शिखर सम्मेलन 2022 ये कहाँ हुआ है आपका आबिजान, यानी ये कहाँ पर आपका आइवरी कोस्ट, कब हुआ है आपका 9 से 20 मई 2022। फिर है आपका इसमें आगे ठीक है ब्रिक्स
संस्कृति मंत्रियों की 7वीं बैठक ये कहाँ हुई आपकी, किसने की है इसका आयोजन, चीन ने, ठीक है। कब किया, 24 मई 2022 से। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अगर 2022, ठीक है, 2022 में आपको जो है ब्रिक्स, ठीक है, से संबंधित कुछ भी पूछा है तो आपका जो आंसर होगा वो आपका आंसर होगा चीन, ठीक है। देखेगा कैसे संस्कृति मंत्रियों की बैठक पूछी है इसने ब्रिक्स की, ठीक है। अब इससे पहले भी आपका एक क्वेश्चन बन चुका है और देखिएगा अब इसमें आगे है 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022, ये भी देखेगा मेजबानी चीन, ठीक है। तो 2022 के लिए आप याद रखेंगे किसने की है, चीन ने, ठीक है। अब पहले किसने की थी 2021 में, तो वो भारत ने की थी, ठीक है। अब इसमें आगे देखते हैं संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022, तो ये है पुर्तगाल, ठीक है। किसने की है, पुर्तगाल ने, कब, 27 जून 2022। 48वीं G7 शिखर सम्मेलन 2022 ये कहाँ हुआ आपका, जर्मनी में, कब हुआ, 26 से 28 जून 2022। फिर आगे इसमें आपका 26वां राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रमंडल शासन अध्यक्षों की बैठक ये हुई है किंगाली रवांडा, ठीक है, और कब हुई है, 20 से 25 जून 2022। फिर इसमें आ गया आपका 32वां नाटो शिखर सम्मेलन, फ्रेंड्स ये कहाँ हुआ आपका, मैड्रिड स्पेन में, कब, 28 से 30 जून। इसमें आपका लास्ट है देखिएगा I2U2, ठीक है, I2U2 का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है आपका, तो फ्रेंड वर्चुअली हुआ है ये, ठीक है। और किसने अध्यक्षता की है, पीएम मोदी ने, और वर्चुअली कहाँ हुआ है आपका, भारत में, ठीक है। कब हुआ है ये, 14 जुलाई 2022, क्या, I2U2। अब बात करते हैं ये I2U2 है क्या, ठीक है, आई का मतलब है इंडिया, ठीक है, इंडिया, फिर इस, फिर दो बार है, टू का मतलब है जो आई है आपकी दो बार है, यू भी क्या है आपका, दो बार है, ठीक है। तो एक आई से इंडिया और एक आई से आपका हो गया इसराइल, ठीक है, क्या हो गया आपका, इसराइल। फिर है यू, यू का मतलब क्या है, ठीक है, यू दो बार आया है आपका, आई, I2U2, तो इंडिया और इसराइल हो गया आपके। फिर यू से क्या हो गया, USA, ठीक है, USA और UAE, ठीक है, तो USA और UAE आपका हो गया, आई से हो गया आपका इसराइल और इंडिया। तो फ्रेंड देखेगा इस तरह से हमारे जितने भी शिखर सम्मेलन समारोह हुए हैं, ठीक है, पिछले एक साल में वो हमने सभी कवर कर लिए हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स आई होप, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। फ्रेंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे द्वारा जितने भी क्लासेस कराई जा रही हैं आपको, ठीक है, और जितने भी अपडेट्स दी जाती हैं वो आपको रेगुलर मिलती रहें। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।